छह बजे टीवी 9 भारतवर्ष अब तो सब देख रहे हैं। एक नाम जिसके सपने ने दिया देश को एक नया मुकाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वही मुकाम आपको दिलाएगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। कम अबॉर्ड एंड नर्चर योर टैलेंट टू सक्सीड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। जॉइन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1-800-300-26072। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला, सीधे आपको लिए चलते हैं मुरैना। नगर निगम के टाउन हॉल के हाल बेहाल पड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे मजदूरों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, ना कोई मास्क लगाया हुआ है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, फिर भी नगर निगम है कि ध्यान देने को तैयार नहीं है। मुरैना की नगर निगम के हाल बेहाल है। मुरैना टाउन हॉल पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सैकड़ों व्यक्तियों की भीड़ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने आई हुई है। इस भीड़ को ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही मास्क लगाए जा रहे हैं। वहाँ पर खड़े हुए गार्ड सिर्फ तमाशीन बने हुए तमाशा देख रहे हैं। ऐसे में अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित होता है तो ना जाने कितने व्यक्ति संक्रमित होंगे, फिर भी नगर निगम अधिकारी ध्यान देने को तैयार नहीं है। वहीं एक और जहाँ पर लोगों से बात की तो पता चल रहा है कि लोगों का कहना है कि साइड बंद होने का और पोर्टल बंद होने का नाम लेकर यहाँ पर हम लोगों को खड़ा किया जाता है। हम सुबह के लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। ऐसे में सभी व्यक्ति अपने कामों को छोड़कर श्रमिक योजना के तहत अपना पंजीकरण कराने के लिए खड़े हुए हैं। एक भी व्यक्ति अगर संक्रमित होता है तो सैकड़ों यहाँ संक्रमित होंगे, उसके बाद भी नगरीय नगर निगम प्रशासन ध्यान देने को तैयार नहीं है। मुरैना से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमन सक्सेना। लगातार बड़वारा इलाके में अपराधों के मामले आ रहे हैं सामने। आज फिर दो पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष, 5 लोग हुए घायल। मामला बड़वारा थाना इलाके के सजैनी गांव का है, जहां एक ही परिवार के दो भाइयों में जमीन को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ही पक्ष के लोग कुल्हाड़ी और डंडे से एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिए। चंद मिनटों के भीतर इस खूनी संघर्ष में 5 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें नाबालिग बच्चे भी शामिल थे। वहीं मौके पर पहुंची डायल एंड डेट के पुलिस कर्मियों ने झगड़े को शांत किया और सभी घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उनका इलाज जारी है। इस तरीके का घातक विवाद देखकर गांव में एक भय का माहौल बना हुआ है। फिलहाल बड़वारा पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। बड़वारा के एक्सप्रेस रिपोर्टर मोहम्मद एजाज। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मनरेगा का काम चलाया जा रहा है, मगर मजदूरी में कटौती किए जाने की वजह से मुंगेली में ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। लॉकडाउन अवधि में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने केंद्र एवं राज्य सरकार का फोकस मनरेगा कार्य पर है, मगर यह योजना भी अब मुंगेली जिले में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, जिसके चलते मजदूरों के मजदूरी भुगतान पर डाका पड़ रहा है। दरअसल मनरेगा के काम में गहराई कम होने के चलते मजदूरी में कटौती की जाती है, जबकि असली वजह तो ये निकलकर सामने आ रही है कि पंचायत स्तर पर बड़े पैमाने में मस्टर में फर्जी हाजिरी भरा जा रहा है, जिसके चलते काम करने वाले वास्तविक मजदूरों की मजदूरी में कटौती हो जा रही है। ऐसा ही एक ताजा मामला मुंगेली जिले के लोहड़िया पंचायत में सामने आया है, जो कि बिलासपुर सांसद अरुण साव का गृह ग्राम है। यह कि ग्रामीण मजदूरी भुगतान में कटौती किए जाने से बेहद नाराज है। ग्रामीणों का कहना है कि मनरेगा में फर्जी मजदूर का खेल चल रहा है, जिस पर लगाम लगाने के बजाय जिम्मेदार अधिकारी कम गहराई का हवाला दे रहे हैं। एक दो पंचायत नहीं बल्कि मुंगेली जिले के लगभग सभी पंचायतों में यही हाल है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस पर कम खुदाई का हवाला देकर पल्ला झाड़ने में लगे हुए हैं। मुंगेली से एक्सप्रेस रिपोर्टर रोहित कश्यप। नगर निगम के इंटरवेल पंप हाउस में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जहां लाखों का माल लेकर फरार हो गए हैं। घटना की सूचना पर सीएसपी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची, जहां जांच कार्रवाई शुरू कर दी। जिले में फिर से चोर गिरोह सक्रिय हो गए हैं, एक के बाद एक चोरी की घटना सामने आ रही है।
कुछ दिनों पहले मानिकपुर चौकी इलाके के शारदा बिहार मुड़ापार में मोबाइल दुकानों में चोरी की घटना सामने आई थी। अब सीएसपी चौकी अंतर्गत आने वाले नगर निगम के इंटेक वेल पंप हाउस में चोरी की घटना घटी है। पंप हाउस का शटर तोड़कर पंप हाउस के ट्रांसफार्मर का पैनल, कॉपर केबल और केबल वायर को काट कर ले गए। चोरी की घटना पर सीएसपी चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि चोर 10 लाख से अधिक का सामान ले भागे हैं। वहीं निगम के अधिकारी कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। पंप हाउस के चौकीदार ने बताया कि सुबह जब वो शटर खोला तब ताला टूटा हुआ मिला। पिछले कुछ दिन पहले ही चौकीदार के साथ कुछ शराबियों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। जिले में फिर से कबाड़ का व्यवसाय शुरू हो गया है, जिससे चोरी की घटनाएं लगातार घट रही हैं। पंप हाउस में हुई चोरी के बाद पुलिस फिर से सख्ती में आ गई है। पूर्वा सेक्शन रिपोर्टर मनोज यादव। झीरम घाटी को लेकर कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एनआईए की जांच को लेकर उठाया सवाल, केंद्र सरकार से फिर दोहराई एसआईटी जांच की मांग। झीरम घाटी हमले में अपने शीर्ष नेतृत्व को खोने पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का गम सोमवार को फिर उभर कर आ गया। राज्य सरकार में वरिष्ठ मंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को देखते हुए झीरम मामले की जांच एसआईटी के करने की मांग एक बार फिर दोहराई। वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि इसे हम सुपारी किलिंग समझते थे, लेकिन आज तक इसका जवाब नहीं मिल पाया है। कृषि और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झीरम मामले पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना हुई, क्या यह सामान्य नक्सली घटना थी? भाजपा की विकास यात्रा के पैरेलल हमारी परिवर्तन यात्रा चल रही थी, फिर भी हमें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी गई। इस वारदात में पूरी बस्तर की नक्सली लीडरशिप शामिल थी। हम इसे सुपारी किलिंग समझते थे, लेकिन आज तक इसका जवाब नहीं मिल पाया। वही आगे रविंद्र चौबे ने कहा कि जब जब झीरम की याद आती है तब उन्हें दर्द महसूस होता है, क्योंकि इस हमले में उन्होंने प्रथम पंक्ति के कई नेताओं को खोया है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर हेमंत शर्मा। बिलासपुर नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार ने सरकारी रकम निकाल ली। बिलासपुर नगर निगम में जो पुराने कर्मचारी, इंजीनियर और अधिकारी जो मौजूद हैं, वो लंबे समय यही उनकी नियुक्ति हुई थी और यही से शायद अब वो रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में इनकी मोनोपोली के चलते बड़े पैमाने पे जो सरकारी पैसे की लूटपाट वो मची हुई है, और यही वजह है कि अनिल बेल्टकान जो एक बड़े ठेकेदार हैं, उसने बिना काम पूरा किए 12 लाख रुपए की सुरक्षा निधि नगर निगम से निकाल ली। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब मामले में तारबहार पुलिस ने FIR दर्ज की। इस मामले में FIR दर्ज अनिल बेल्टकान सहित अनिल वर्मा सहित तमाम लोगों, चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में अब नगर निगम की कार्रवाई जो है अभी भी वो संदिग्ध नजर आ रही है। खाना पूर्ति के नाम पर निगम आयुक्त ने समिति जरूर बना दी, लेकिन उसकी जांच नहीं हुई है। जांच कब आएगी, रिपोर्ट कब आएगी, अभी भी पता नहीं है। लेकिन ये साफ है कि निगम के जो लंबे समय से जो अधिकारी यहाँ मौजूद है, वो नगर निगम सरकार के पैसे को लूट रहे हैं। बड़े ठेकेदार अनिल बेल्टकान ने 12 लाख रुपए की राशि नगर निगम से निकाल दी। ये राशि सुरक्षा निधि के रूप में जमा रहती है और निगम के अधिकारियों ने ठेकेदार से मिलकर ये काम किया। बिलासपुर से रिपोर्टर शैलेंद्र पाठक। नगर पालिका आयुक्त ने रोका छेका अभियान के तहत बीते 3 दिनों में शहर के अलग अलग क्षेत्रों से आवारा मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस भेज दिया है। दरअसल राज्य शासन द्वारा जारी आदेशानुसार जगदलपुर नगर पालिका निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल और उनकी टीम ने बीते 3 दिनों में शहर के आमागोड़ा चौक, कुम्हारपारा, बोधघाट व आनंद ढाबा से लेकर हाट कसोरा के क्षेत्रों के सड़कों में घूम रहे लगभग 65 आवारा मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस में भिजवा दिया है। नगर पालिका निगम आयुक्त ने कहा कि रोका छेका संकल्प अभियान के तहत शहर के सभी 48 वार्डों में सर्वे किया गया है, जिसमें पशु मालिकों की पूरी जानकारी दर्ज की गई है। इस योजना की जानकारी पहले ही पशु मालिकों को दे चुकी है, और इसके बाद भी अगर इस नियम का पालन नहीं होता है तो नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और साथ ही कानूनी कार्रवाई भी होगी। बस्तर एक्सप्रेस रिपोर्टर आशुतोष तिवारी। साइबर ठगी मामले में पुलिस को मिल रही है लगातार सफलता। पिछले 6 महीनों में 20 से 22 केसों में पुलिस ने 10 लाख की ठगी के मामले में अभी तक 7 लाख रुपए रिकवर किए हैं। बड़वानी। पिछले कुछ समय से जहां ऑनलाइन ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और नित नए तरीके अपनाकर साइबर ठग लोगों को ठग रहे हैं, वहीं बड़वानी पुलिस भी लगातार साइबर ठगी के मामलों को ट्रेस कर रही है। पिछले 6 महीनों में जहां पुलिस के सामने 20 से 22 साइबर ठगी के मामले आए, जिसके अंतर्गत ज्यादातर मामले आर्थिक रूप से ठगी के थे, जिनमें लोगों से तकरीबन 10 लाख रुपए की ठगी की गई थी, तो वहीं पुलिस द्वारा अब तक इनमें से लगभग 7 लाख रुपए की राशि विभिन्न मामलों में लोगों को रिकवर करवाई है। वहीं साइबर ठगी के मामलों को लेकर एडिशनल SP सुनीता रावत लोगों
लोगों से सचेत रहने की अपील करते हुए कहती है कि आप लोग अपने मोबाइल में आई हुई किसी भी ओटीपी को लोगों को ना बताएं। उक्त मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत ने बताया कि अगर कोई किसी लोन या किसी तरीके के प्रलोभन के चलते कोई लिंक भेजता है तो उसे ओपन ना करें, साथ ही सावधानी बरतें। बड़वानी से एक्सप्रेस रिपोर्टर सचिन राठौर। इस बार नहीं होगी रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ मंदिर परिसर में भी नहीं करेंगे भ्रमण। इस मामले में मंदिर के अध्यक्ष पुरेंद्र मिश्रा ने बताया कि पहले मंदिर में भगवान के भ्रमण करने का फैसला लिया गया था, लेकिन अब उसे भी वापस ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रथ जो है उसे भी नष्ट कर दिया गया है। साथ ही यदि रथ यात्रा का आदेश आता भी है तो हमारे पास किसी भी तरह की तैयारी नहीं है। इस मंदिर में राज्यपाल और मुख्यमंत्री हर बार छेरा पहरा की रस्म निभाते थे। बता दें कि रथ यात्रा नहीं होने के बावजूद भी मंदिर परिसर में भगवान के भ्रमण करने का फैसला लिया गया था, उसे भी वापस ले लिया गया है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुप्रिया पांडे। इंदौर पुलिस की गिरफ्त में आए भू माफिया चंपू अजमेरा हैप्पी धवन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जहाँ हैप्पी धवन के खिलाफ लगभग 30 शिकायतें आ चुकी है, वहीं एक एफआईआर भी पुलिस ने की है। वहीं चंपू अजमेरा पर भी पुलिस गिरफ्तारी के बाद जांच कर रही है। इंदौर पुलिस लगातार हैप्पी धवन और चंपू अजमेरा से पूछताछ कर रही है, जहां पर हैप्पी धवन के खिलाफ 30 से अधिक शिकायतें थी, जहां बारंगा पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है। वहीं चंपू अजमेरा के खिलाफ भी शिकायतें लगातार पुलिस के पास आ रही है, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। जहां शहर में अलग अलग कॉलोनियों काट कर लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी हैप्पी धवन और चंपू अजमेरा ने की थी, वहीं इनके साथी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिसको लेकर इंदौर क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी कर बाड़ा पुलिस को दिया था, जहां पुलिस रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ कर रही है। इंदौर से रिपोर्टर अजय सिंह। लॉकडाउन में करीब 3 महीने के बाद खोला गया भोपाल का वन विहार, 2 शिफ्टों में यह वन विहार पर्यटकों की सुविधा के लिए खोला जाएगा। करीब 3 महीने से बंद लॉकडाउन में वन विहार को आज से खोला जा रहा है। पर्यटकों की सुविधाओं के लिए 2 शिफ्टों में वन विहार को खोला गया है, जिसमें सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का पर्यटक यहां पर आ सकेंगे। बचा हुआ 12 बजे से 3 बजे का टाइम वन विहार को सैनिटाइज किया जाएगा। साथ ही साथ यहां पर कई नियम और कई गाइडलाइन के साथ में सुरक्षात्मक इंतजामों के साथ में इस वन विहार को खोला गया है। आने वाले 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहनों को प्रॉपर सैनिटाइज करके ही अंदर प्रवेश देने दिया जाएगा। पर्यटकों के आने से वन विहार में न फैले कोरोना संक्रमण, इसके लिए नई नियम और सुविधाओं के साथ में खोला जा रहा है वन विहार को। भोपाल से प्रेस रिपोर्टर दुर्गेश गुप्ता। राजधानी भोपाल के बैरागढ़ में 2 व्यापारी के बीच विवाद हो गया, जिसमें एक व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। भोपाल के बैरागढ़ में दुकान पर बोर्ड लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बैरागढ़ नबीबक सवा रोड पर कपड़े की दुकान पर बोर्ड लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति पर 7 लोगों ने हमला किया था। इसके बाद पूरा मामला बैरागढ़ थाने पहुंचा, जहां व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बैरागढ़ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कपड़ा व्यापारी और आटा चक्की वालों के बीच में बोर्ड लगाने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें आटा चक्की पर एक बीच बचाव करने पहुंचे प्रकाश बीनानी पर हमला हुआ, उसी दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बैरागढ़ से एक्सप्रेस रिपोर्टर विवेक शर्मा। फर्जी चिकित्सकों के द्वारा मरीजों का इलाज किए जाने से रोके जाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन और जबलपुर संभाग आयुक्त को नोटिस जारी करके 4 दिन में जवाब मांगा है। फर्जी चिकित्सकों के द्वारा मरीजों का इलाज किया जा रहा है, इस संबंध में एक याचिकाकर्ता ऋषिकेश सराफ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके हाईकोर्ट को बताया कि होम्योपैथी और एलोपैथी की डिग्रीधारी चिकित्सक एलोपैथी में इलाज कर रहे हैं और मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पर राहत चाही गई थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य शासन और जबलपुर के संभाग आयुक्त को नोटिस जारी करके 4 दिन में जवाब पेश करने के लिए कहा है। ऐसे समय में जब कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, तब ऐसे चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। अरविंद दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। शक्ति नगर पालिका क्षेत्र में फैली गंदगी ने यहाँ के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। नगरीय निकाय चुनाव के पूर्व स्वच्छ नगर बनाने के बड़े बड़े दावे करने वाले नेता कुर्सी पर बैठते ही अपने वादे भूल चुके हैं। हम बात कर रहे हैं शक्ति नगर पालिका क्षेत्र की,
यहाँ बुधवारी बाजार से नगर के कई हिस्सों में बुरी तरीके से गंदगी पसरी हुई है, जिसको लेकर आम नागरिकों की शिकायत जिम्मेदारों तक भी पहुँचनी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ देश में फैले कोरोना वायरस ने शासन प्रशासन की नींद उड़ा रखी है, मगर लगता है जिम्मेदारों को इससे कोई सरोकार नहीं है। वहीं नगर के लोग अब कह रहे हैं कि चुनाव के पूर्व नगर को स्वच्छ रखने के वादे केवल चुनावी वादे थे, जो कुर्सी में बैठने वाले नेता अब भूल चुके हैं। वहीं दुनिया भर में फैली कोरोना वायरस की बीमारी ने शासन प्रशासन की नींद उड़ा दी है, मगर शक्ति नगर पालिका क्षेत्र में फैली गंदगी कुछ और ही बयां कर रही है। लगता है यहां के जिम्मेदारों को किसी अनहोनी का इंतजार है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रवि गोयल जानिए। प्रदेश के बोर्ड कक्षा के विद्यार्थियों की अब इंतजार खत्म, कल 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे होंगे जारी। दरअसल छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम कल यानी 23 जून को घोषित कर दिए जाएंगे। इसकी पुष्टि माध्यमिक शिक्षा मंडल सचिव वीके गोयल ने की है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह के काम कुछ परीक्षा परिणाम सुबह 11 बजे घोषित करेंगे। जानकारी के अनुसार 10वीं 12वीं का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। इससे पहले कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाएं नहीं हुई थी। जिन विषयों के पेपर हुए थे उन कापियों के मूल्यांकन का कार्य पूरा हो चुका है। बचे हुए विषयों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक देने का फैसला लिया गया है। फिलहाल ये नहीं बताया जा सकता कि औसतन परिणाम क्या जाएगा, लेकिन ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि कोरोना काल में जो परीक्षा नहीं है उसके आधार पर मार्क्स दिए हैं, तो इस बार परिणाम बेहतर हो सकता है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्या राजपूत। कोरोना महामारी के चलते पिछले 92 दिनों से बंद इंदौर की छावनी अनाज मंडी आज सर्च शुरुआत की गई। इंदौर की छावनी मंडी 92 दिनों बंद रहने के बाद सोमवार से एक बार फिर सशर्तों के साथ खुली। हालांकि मंडी में सिर्फ लाइसेंसी व्यापारी और किसान ही प्रवेश कर पाएंगे। दरअसल इंदौर की छावनी मंडी कोरोना वायरस के चलते 92 दिनों से बंद थी, जो सोमवार से शुरू हुई है। देश में यह पहली मंडी है जो कोरोना महामारी में इतने दिनों तक बंद रही, जिससे व्यापारी किसान हम्माल और आर्थिक परेशानी झेलना पड़ी। हालांकि मंडी में किसान का प्रवेश ही कर पाएंगे जिन्हें मंडी समिति ने बुलाया है। वहीं मंडी में 150 ट्रालियां ही आ सकेगी। छावनी मंडी में सोमवार मंगलवार को गेहूं मक्का बाजरा ज्वार और जौ की बिक्री होगी। वहीं बुधवार गुरुवार को डालर चना देसी चना काटा चना मूंग तुवर उड़द मसूर की बिक्री होगी। वहीं शुक्रवार शनिवार को सोयाबीन सरसों राय एवं मसाले की बिक्री की जाएगी। हालांकि मंडी के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों का माल ही अभी शुरुआती दौर में खरीदा जाएगा। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। कोरोना महामारी से जंग लग रहे इंदौर शहर में लगातार औषधीय गुणों के पौधों की मांग बढ़ रही है, जिसे देखते हुए नगर निगम अब औषधीय गुणों के पौधों की संख्या लगातार बढ़ाने की कवायद कर रहा है। दरअसल निगम के उद्यान विभाग द्वारा नेहरू पार्क चिड़ियाघर और कभी खेड़ी स्थित नर्सरियों में आमतौर पर फूल और सुंदर पौधे तैयार किए जाते हैं, लेकिन कोरोना काल में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में गिलोय नाम की औषधि काफी कारगर साबित हो रही है, जिसके कारण लोगों में इसकी मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में मांग को देखते हुए नगर निगम शहर के ग्रीन बेल्ट और बगीचों में गिलोय की बेल लगाने की तैयारी कर रहा है। निगम ने इन स्थानों पर 4 से 5 हजार पौधे लगाने की योजना बनाई है, जिससे लोगों को आसानी से गिलोय की पत्तियां उपलब्ध हो सके। फिलहाल नगर निगम के पास औषधीय गुणों के पौधे उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस बार निगम हजारों की संख्या में औषधीय गुणों के पौधे तैयार करवा रहा है। इंदौर से रिपोर्टर दीपिका अग्रवाल। छत्तीसगढ़ में मानसून का असर कई स्थानों में पिछले 24 घंटे से हो रही तेज बारिश, मौसम विभाग ने पहले ही जताया था अनुमान। दरअसल छत्तीसगढ़ में मानसून के सक्रिय होते ही पिछले 24 घंटे से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी रायपुर में भी बीती रात से 2 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट और नमी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने 25 जून तक लगातार बारिश होने की चेतावनी जारी की है, साथ ही रायपुर में 72 घंटे तक बारिश होने की आशंका जताई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस बार मानसून ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है और ये उसी का नतीजा है कि इस बार तेज बारिश हो रही है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिवम मिश्रा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर प्रदेश कांग्रेस ने लगाए केंद्र पर गंभीर आरोप। कोरोना काल के चलते एक तरफ जहां महंगाई बराबर बढ़ती चली जा रही है, तो वहीं केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी की है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बराबर ऑयल के दाम कम होते चले जा रहे हैं, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार इन दामों को कम नहीं कर रही है। आज प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनसे मांग की है कि जल्दी
प्रदेश में और देश में पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम काफी कम हो रहे हैं, इसके बावजूद भी केंद्र और प्रदेश सरकार इन तेलों की कमी में कोई गिरावट नहीं कर रही है, जिससे कि महंगाई बराबर सुरसा बनती चली जा रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर अरविंद चौहान। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस उन शहीदों को बड़ी शिद्दत से याद कर रही है जो अंग्रेज और सिंधिया के शासनकाल में शहीद हुए थे। ग्वालियर में आज कांग्रेस द्वारा शहीद अमरचंद बाटिया का शहीदी दिवस मनाया गया। इस दौरान शहीद अमरचंद बाटिया सराफा बाजार स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह और ग्वालियर दक्षिण से कांग्रेस के विधायक त्रिविल पाठक के साथ तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर गोविंद सिंह ने अमरचंद बाटिया के बलिदान को लेकर सिंधिया परिवार पर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि सन 1957 की क्रांति में झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई की सहायता करने पर तत्कालीन सिंधिया राजघराने और अंग्रेजों ने ग्वालियर में अमरचंद बाटिया को फांसी पर लटका दिया था। इस दौरान पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने दावा किया है कि आने वाले विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस अंचल में एक बड़ी जीत हासिल करेगी। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। बाढ़ आपदा प्रबंधन समिति के निमित्त आज जिले के डिप्टी कमांडर डीआरएस समिति के अध्यक्ष जो होते हैं उनके द्वारा आज आलोट क्षेत्र से पालनगरा गांव का दौरा किया गया। पूर्व में वह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसको लेकर आज वहां गांव वासियों को दिशा निर्देश दिए गए। वर्षा काल आने से पूर्व ही जिले की जो आपदा प्रबंधन समिति रहती है वो हर जगह गठित कर दी गई है और प्रशासन इस बार मुस्तैदी से अपने कर्तव्य को निभाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में आज डिस्ट्रिक्ट लेवल के होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट अधिकारी जो होते हैं उनके द्वारा आज पूरे जिले का निरीक्षण किया गया और ऐसे में आज वो आलोट क्षेत्र में पहुंचे जहां पर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहता है पालनगरा गांव, जो पूर्व में भी यहां पर बड़ी त्रासदी हुई थी और अचानक गांव को बारिश काल में गांव वालों को बाहर निकालना पड़ा था, उसको चीज को लेकर उस घटना को लेकर यहां से प्रशासन पहले से मुस्तैदी दिखाई दे रहा है और ऐसे में यहां पर एक आपदा प्रबंधन समिति का भी गठन किया है जिसके प्रमुख नरेंद्र सेन को बनाया गया है और इस प्रकार यहां पर दिशा निर्देश गांव वालों को मौके पर पहुंच के दिए हैं कि जब बाढ़ आपदा वर्षा काल होता है और आपदा आती है उस समय तत्काल प्रभाव से हमें किस प्रकार और घर के सामान से किस प्रकार बचाव किया जा सकता है और हमारे आदमी से किस प्रकार बच सकते हैं, इस प्रकार के सारे दिशा निर्देश डिस्ट्रिक्ट होम कमांडेंट के जो अधिकारी आए आशुतोष बागरी जी उनके द्वारा दिए गए हैं। इस प्रकार से आप प्रशासन पहले से ही मुस्तैद दिखाई दे रहा है और बारिश काल आने वाला और ऐसा लेकर मुस्तैद जिससे कार्य प्रगति हो चुके हो और दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, लोगों को बचाव हो तो जागरूकता भी लाई जा रही है। अब देखना है कि बाढ़ के और बारिश काल में किस प्रकार प्रशासन और किस हद तक रहवासियों को यहाँ पर बचाने में अपना एक अहम योगदान साबित होता है। आलोट से एक्सप्रेस रिपोर्टर राकेश नेवाड़ा। गृहराज मंत्रिमंडल का विस्तार अब जुलाई माह के पहले सप्ताह तक टलता हुआ नजर आ रहा है। शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार में एक के बाद एक पेंच आ रहे हैं। पहले इसे राज्यसभा चुनाव तक डाला गया, फिर राज्यपाल की अस्वस्थता ने इस पर ब्रेक लगाया। इस दौरान बीजेपी के अंदर खाने मचे घमासान से पहले से तय कैबिनेट का खाका बिखर गया और अब इसे नए सिरे से बनाने की कवायद चल रही है। इसी के साथ बीजेपी डैमेज कंट्रोल में जुटी है। पार्टी का फोकस विशेषकर विंध्य, मध्य भारत और बुंदेलखंड पर है। जानकारों का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरी हो सकेगी। मंत्रिमंडल विस्तार के काम में हो रहा विलंब ये जाहिर करता है कि इसे अंजाम तक पहुंचा पाना आसान काम नहीं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर निर्मल सिंह बैस। कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने सरकार के आदेश अनुसार संस्थाएं बंद हैं, वहीं नगर प्रशासन नगर के पार्कों को बंद किया लेकिन सफाई की नहीं दिखी। शिक्षा के बाद बच्चों के शारीरिक विकास के लिए परासिया विकास खंड की मिशन चिकली नगर परिषद में लाखों की राशि से 3 पार्कों का निर्माण किया। बदलते परिवेश में दुनिया को मुट्ठी में रखने वाले एंड्रॉइड से सेल्फी के चलन को देखते हुए जिले में बने सेल्फी पॉइंट के पास विकास खंड का पहला सेल्फी पॉइंट का निर्माण किया जिससे बच्चे खेल के साथ अपना सेल्फी का शौक भी पूरा कर सकते। पार्कों के निर्माण के बाद सुबह शाम बच्चों की चहल पहल और उछल कूद से उनके पौष्टिक एवं शारीरिक विकास को गति मिलती है तो आसपास का वातावरण खुशनुमा भी हो जाता है। लेकिन कोविड 19 महामारी के संक्रमण को रोकने आंगनवाड़ी स्कूल एवं कॉलेज बंद है जिसके चलते पार्कों को भी नगर प्रशासन ने बंद कर रखा है। अब बच्चों का समय घर की चार दीवारों में सिमट कर रह गए लेकिन नगर प्रशासन ने पार्कों में ताला लगाने के बाद सफाई तक नहीं कराई, न ही लाखों की राशि के लगे उपकरणों की सुध लिए। आज पार्क परिसर प्राकृतिक हरियाली दिख रही है। नागरिकों की जरूरत एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लॉकडाउन खुले हैं। अब बच्चे भी पार्कों को निहार रहे हैं, सफाई के साथ पार्क भी खुले जिससे पार्कों की चहल पहल के साथ रौनक भी लौटे।
बरासिया से एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल डे। वही सिंगरौली से खबर है जहां पर जरहा की मयार नदी में नहाने के चार बच्चे नदी में फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाल दिया गया। दरअसल नदी में अचानक से तेज बहाव आ गया था और चारों बच्चे नदी में फंस गए थे। पुलिस और प्रशासन ने फौरन एक्शन लिया और रेस्क्यू टीम ने बच्चों की जान आखिरकार बचा ली। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चे फंस गए थे, अचानक से पानी आ गया। लेकिन यह गनीमत रही कि बहाव तेज नहीं था, अगर बहाव तेज होता तो जाहिर है ये बच्चे भी इस नदी में बह जाते। अधिक जानकारी से नवीन मिश्रा जुड़ गए हैं। नवीन, ये पहले से पानी छोड़ने से पहले ये कोई वार्निंग नहीं दी गई थी या फिर पानी पहले से चल रहा था जो बच्चे नहाने के लिए गए थे? जी, बच्चे नहाने गए थे और चूंकि बारिश का मौसम है इस वजह से नदी में अचानक ही तेज बहाव आ गया और तेज बहाव आने की वजह से बच्चे नदी के बीचों बीच फंस गए। इस दौरान जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं और बच्चों के परिजन बच्चों को बचाने के लिए पहले तो उन्होंने खुद ही नदी में उतरने का फैसला किया और बच्चों तक पहुंच भी गए, लेकिन जब उनको लगा कि हम बच्चे पानी ज्यादा होने की वजह से हम बच्चों को नदी से बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो इसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया, जहां मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रस्सों के माध्यम से पहले बच्चों तक पहुंचे और बच्चों को बाहर निकाला। मौके पर स्वास्थ्य की टीम भी पहुंच गई है और यहाँ बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया और सभी बच्चे स्वस्थ बताए जा रहे हैं। जी सर, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका नवीन। एक्सप्रेस रिपोर्टर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।